हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं लर्न कोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल। और हम लोग बना रहे थे टेक ब्लॉक प्रोजेक्ट। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, और हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया था। मैं आपको दिखा देता हूं, अभी तक हम लोगों ने लॉगिन और लॉगआउट का पूरा सब कुछ कंप्लीट कर लिया। दैट मीन्स हम साइन अप कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं और उसको लॉगआउट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको प्रोजेक्ट को रन करके दिखा रहा हूँ, तो मैं ओके कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लॉगिन कर सकता हूँ। तो लॉगिन करते हैं भाई, लॉगिन करते हैं। और ठीक है, तो लॉगिन हूँ। देखिए यहाँ पे लॉगिन हमारा नाम दिख रहा है, लॉगआउट दिख रहा है। लॉगआउट क्लिक कर दूँ, लॉगआउट हो जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में फ्रेंड्स क्या करने वाले हैं, अपनी प्रोफाइल पे मैं क्या करना हूँ, मैं मुझे मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँ, मुझे यहाँ पे एक विंडो पॉपअप हो और यहाँ पे प्रोफाइल की डिटेल सारी दिख जाए। ये हम लोग इस वीडियो में करेंगे। इस पर क्लिक करने पे प्रोफाइल की डिटेल सारी यहाँ पे आ जाए। ये फिलहाल तो ये रजिस्ट्रेशन पे आ गया, बट हम लोग ऐसा चाहते हैं कि भैया हम लोग लॉगआउट करें, सॉरी, हम लोग जैसे ही अपने यहाँ पे इस पर क्लिक करें, हमें एक विंडो पॉपअप हो और विंडो पे हमें सारी प्रोफाइल की डिटेल्स दिख जाएँ, जो भी यूज़र की प्रोफाइल है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे अगर आपने सर्वलेट और जेएसपी की सीरीज़ अभी तक एक्सेस नहीं की तो उसको जाके एक्सेस कर लीजिए, अगर आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड और जावा एडवांस से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं तो। अदरवाइज़ आप मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनको जाके देख लीजिए अगर आप पाइथन में इंटरेस्ट रखते हैं तो। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे बूटस्ट्रैप पे। तो आप गूगल पे आइए और यहाँ पे टाइप करिए बूटस्ट्रैप 4। मैं बूटस्ट्रैप 4 टाइप कर लूँगा और बूटस्ट्रैप की पहली वेबसाइट ओपन कर लूँगा, getbootstrap.in। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा मॉडल। ठीक है, मॉडल। और मॉडल जैसे आप करोगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है यूज़ बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट मॉडल प्लगइन टू ऐड डायलॉग। दैट मीन्स ये कुछ इस तरह मॉडल ओपन होगा जब आप बटन क्लिक करोगे तब। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ये देखिए, अगर आप लॉन्च मॉडल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये मॉडल ओपन होता है। एग्जैक्टली हमें भी ऐसे ही मॉडल चाहिए, बट हमें चाहिए कि मैं जैसे बटन पर क्लिक करूँ ये मॉडल ओपन होकर आ जाए। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करने के लिए आपको ये कोड लिखना पड़ेगा। तो सिंपली आप इस कोड को कॉपी कर लीजिए पूरा, या आप इस बटन को क्लिक कर सकते हो या सिंपली इसको कॉपी कर लो। ये आपका मॉडल है विद दिस बटन ऑल्सो। ठीक है, और यहाँ पे आ जाइए अपने प्रोफाइल वाले पेज में। ठीक है, तो प्रोफाइल पेज में ओपन कर लेता हूँ, आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करिए, प्रोफाइल वाला पेज, profile.jsp, और सबसे नीचे आइए जहाँ आपका नेबार खत्म हुआ है। तो देखिए मैंने कमेंट कर दिया था एंड ऑफ नेबार, और यहाँ पे मैं एक और कमेंट लिखूंगा स्टार्ट ऑफ, लिखता हूँ मॉडल, या ऐसे लिख दीजिए प्रोफाइल मॉडल। ठीक है, क्या लिखिए आप, प्रोफाइल मॉडल, और इसको कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और आप नीचे आके लिख दीजिए एंड ऑफ प्रोफाइल मॉडल। ठीक है, आप बीच में आप क्या करिए, मॉडल पेस्ट कर दीजिए जो आपने कॉपी किया है। परफेक्ट, और आप रिफ्रेश करेंगे अगर पेज को, तो अगर जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड होगी तो आपको सिंपली एक बटन दिखेगी, देखिए लॉन्च मॉडल, और क्लिक करेंगे तो ये मॉडल ओपन भी हो जाएगा। परफेक्ट, अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग इस लॉन्च बटन को हटाने वाले हैं और हम लोग ये चीज़ लगाने वाले हैं इस नाम पे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, आप इस बटन की फंक्शनैलिटी अगर आपको इस वाले बटन पे ले जानी है तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि ये जो मॉडल है, मॉडल हम इस चीज़ को बोल रहे हैं, ये मॉडल फायर कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आते हैं, हम समझाते हैं आपको। मॉडल एक्चुअली फायर हो रहा है इन दोनों चीज़ों से, देखिए इन दोनों चीज़ों से। अगर आप किसी भी बटन पे डेटा टॉगल मॉडल लिख देते हो और फिर डेटा टारगेट में उस मॉडल की आईडी दे देते हो, ये है आपके इस मॉडल की आईडी जो आपने यहाँ पे यूज़ की है। अगर आप इस मॉडल की आईडी रख दो यहाँ पे प्रोफाइल प्रोफाइल डैश मॉडल, और अब ये नहीं फायर होगा क्योंकि आपने इस मॉडल की आईडी चेंज कर दी है। तो आपको इस मॉडल को चलाने के लिए यहाँ भी क्या करना होगा, प्रोफाइल डैश मॉडल। ठीक है, अब आपका देखिए, जब भी आपको किसी भी मॉडल को फायर करना हो तो डेटा टॉगल मॉडल लिखना पड़ेगा और डेटा टारगेट प्रोफाइल मॉडल लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बटन पे चलते हैं, नाम वाली बटन पे। कौन सा, ये वाली बटन है, नाम वाली बटन। और हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इस HRF को हटा देते हैं। तो आप सिंपली क्या करिए, इस HRF की जगह आप हैज़ लिख दीजिए और ये लगा दीजिए, और यहाँ पे वही काम लिखिए, डेटा टॉगल में आप लिख दीजिए मॉडल, और डेटा टारगेट में हैज़ लगाने के बाद प्रोफाइल मॉडल आईडी दे दीजिए अपने प्रोफाइल मॉडल की। तो हमारे प्रोफाइल मॉडल की आईडी यही प्रोफाइल मॉडल थी। ठीक है, अब आप इसको सेव कर दीजिए। देखिए मैंने क्या दिया है, ये डेटा टॉगल मॉडल, डेटा टारगेट
प्रोफाइल मॉडल, यही चीज मैंने कॉपी करके वहां पेस्ट कर दिया, ऐसा आप समझ लीजिए। और अपने आप पेज को रिफ्रेश कर दीजिए और आप अपने नाम पे क्लिक करिए, देखिए परफेक्ट। अब आप इस बटन को हटा दीजिए, तो ये हमारी बटन है, इसको मैं हटा देता हूँ और सिंपली रिफ्रेश कर दूंगा। देखिए आपके बॉडी में यहाँ कुछ है भी नहीं, यहाँ पे हम एक्चुअली पोस्ट दिखाने वाले हैं, आप इस पर क्लिक करोगे आपके मॉडल देखेगा। अब हम ये मॉडल टाइटल एक्चुअली हमें यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, सपोज मॉडल टाइटल की जगह लिख देता हूँ टेक सॉफ्ट, तो सिंपली यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आएंगे तो टेक सॉफ्ट आ जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे यूज़र का नाम लिख देता हूँ, तो यूज़र का नाम कैसे लिखते हैं भाई, देखिए यूज़र का नाम लिखने के लिए आप लगाएंगे जावा का एक्सप्रेशन टैग, क्योंकि हमें जावा के थ्रू प्रिंट करना है, और आप यूज़र वेरिएबल डॉट गेट नेम कर दीजिए, यूज़र का नाम यहाँ पर सिंपली आ जाएगा, यूज़र डॉट गेट नेम। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने का सिंपली देखिए देखिए नाम आ रहा है परफेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली नाम तो यहाँ पे आ गया, कोई बात नहीं परफेक्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग भी कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये हेडर है, हेडर में आप लगा दीजिए यहाँ पे बैकग्राउंड प्राइमरी और टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट वाइट। तो आपका जो मॉडल ओपन होगा उसका हेडर जो है वो देखिए परफेक्ट, बैकग्राउंड वाइट आ रहा है, नाम दिख रहा है, सॉरी बैकग्राउंड हमारा प्राइमरी आ रहा है और टेक्स्ट वाइट आ रहा है, और इसमें क्लोज का एक ऑप्शन है, इधर भी आप क्लोज कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में दिखाएंगे इसकी प्रोफाइल, या काम करते हैं हेडर में ही प्रोफाइल दिखा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, जिससे कि हमारा टेक्स्ट सेंटर हो जाए। तो एक काम करते हैं, ये सारा काम हम लोग नाम वाम हेडर से हटा देते हैं और हेडर में सिंपली लिख देते हैं टेक्स्ट, हेडर में सिंपली लिख देते हैं हटा के ये सब, क्योंकि मैं यहाँ पे हेडर में नहीं लगाऊंगा, सिंपली आप यहाँ लिख दीजिए टेक ब्लॉग अपनी वेबसाइट का नाम। ठीक है, हेडर में सिंपली टेक ब्लॉग लिख दीजिए परफेक्ट, और बीच में प्रोफाइल के साथ नाम लगाते हैं। तो बेसिकली ये मॉडल की बॉडी है, यहाँ पे जो लिखोगे बीच में लिख जाएगा, तो मैं यहाँ पे नाम पेस्ट करूँगा। ठीक है, देखिए वही वाला कोड जो ऊपर था, अब देखिए अगर आप लगाते हो तो देखिए यहाँ पे नाम आएगा परफेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी इसके अंदर नहीं लिखूँगा, इसको मैं रखूँगा एक कंटेनर के अंदर। तो आप div लिखिए और यहाँ पे लिखिए कंटेनर, और कंटेनर के अंदर पेस्ट करिए, जिससे कि आप इसको अब सेंटर भी कर पाओगे। देखिए आप यहाँ पे अगर लगा दीजिए टेक्स्ट सेंटर, तो ये देखिए आपका जो नाम होगा वो सेंटर पे आ जाएगा परफेक्ट। अब हम लोग को लगाना है प्रोफाइल, तो प्रोफाइल अगर प्रिंट करनी है तो आपको प्रिंट करना होगा एक वेरिएबल, देखिए कौन सा वेरिएबल प्रिंट करना होगा, यूज़र डॉट गेट प्रोफाइल, गेट प्रोफाइल। और अगर आप इस प्रोफाइल को प्रिंट करते हो तो आपको मिलेगा डिफ़ॉल्ट डॉट पी एन जी, दैट मीन्स क्या मिल रहा है आपको, डिफ़ॉल्ट डॉट पी एन जी मिल रहा है। तो आपको करना क्या होगा, सिंपली ध्यान से देखिए डिफ़ॉल्ट डॉट पी एन जी क्या करना होगा भाई, मैं क्या करता हूँ सिंपली आप लोग देखते जाइए, मैं क्या करूँगा प्रोफाइल को स्टोर करने के लिए आप क्या करिए एक फोल्डर बना लीजिए। तो मैं राइट क्लिक करिए वेब पेजेस पे, न्यू फोल्डर, नाम दीजिए सिंपली पिक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए पिक्स बन गया, इसके अंदर मैं क्या करूँगा सारी प्रोफाइल पिक्चर्स रखूँगा। ठीक है, क्या रखूँगा सारी प्रोफाइल पिक्चर्स, फिर वो चाहे अपडेट होगा तब भी, अगर नया नया होगा तब भी। तो मैं एक प्रोफाइल पिक्चर डाउनलोड करूँगा गूगल से, तो मैं जाऊँगा गूगल पे और यहाँ टाइप करूँगा डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल पिक्चर, डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल पिक्चर, और सिंपली मैं क्या करूँगा यहाँ से एक डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल पिक्चर कॉपी कर लूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कौन सी भाई ले लेता हूँ, मैं ये वाली प्रोफाइल पिक्चर राइट क्लिक करूँगा, ओपन कर लूँगा और सिंपली इसको सेव कर लूँगा, और सेव कर लूँगा डेस्कटॉप पे, और इसका नाम दे दूँगा डिफ़ॉल्ट डॉट पी एन जी। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट डॉट पी एन जी, और सिंपली मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी करके अपने पिक्स वाले फोल्डर में लाता हूँ। तो बस एक सेकेंड, राइट क्लिक करिए, कॉपी कर लीजिए, एडमिन्स पे आ जाइए, पिक्स पे राइट क्लिक करिए, पेस्ट कर दिए परफेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस लेंगे इसी का, एक्चुअली नाम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए मैं लगाऊंगा इमेज टैग, देखिए इमेज टैग एस आर सी, इमेज के अंदर क्या लगाएंगे एस आर सी, और हम कहेंगे हमारी जो फ़ोटो रखी है वो पिक्स में रखी है, और उसके बाद हमें फ़ोटो का नाम देना है, तो फ़ोटो का नाम की जगह मैं ये लिख दूंगा, और ये क्या दे देगा हमें प्रोफाइल डॉट पी एन जी। ठीक है, अगर आप रिफ्रेश करते हो तो अभी थोड़ा सा दिक्कत होगी, मैं आपको बताता हूँ क्या दिक्कत होगी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट नाम देने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी। देखिए फ़ोटो आ तो रही है बट
यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि आपके सर्वर पे इस नाम से कोई फोटो नहीं मिल रही है, डिफॉल्ट डॉट पीएनजी भी लगा है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली क्या करते हैं हम लोग, देखिए भाई हम लोग अपना डेटाबेस ओपन कर लेंगे और जहाँ वो दोनों कोट्स लग गए थे ना, उन कोट्स को हटा देंगे। देखिए क्या करते हैं, सिंपली इसको ओपन हो जाने देते हैं और सिंपली में आएंगे अपने टेक ब्लॉक में और इसका डेटा ज़रा चेक करेंगे कि यूज़र के अंदर कौन कौन सी, राइट क्लिक करिए, ओपन कर लीजिए इसको, और बहुत सारे डेटा हैं तो मुझे सब में क्या करना है भाई, डिफ़ॉल्ट की जगह हटाना है। तो मैं सिंपली पहले कॉलम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हटा देता हूँ, राइट क्लिक करिए, इसको ऑल्टर कर दीजिए, और ऑल्टर करने के बाद देखिए जहाँ पे डिफ़ॉल्ट आपने लिखा ना, कहाँ भाई डिफ़ॉल्ट, इसको आप सिंगल कोट से हटा दीजिए, ठीक है, और सिंपली अब आप इसको सेव कर दीजिए, जिससे जब कोई नया बंदा साइन अप करेगा तो उसके प्रोफाइल में डिफॉल्ट डॉट पीएनजी आ जाएगी। और यहाँ पे आ जाइए अपने, मैं अपने एक यूज़र के लिए हटा देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, इसमें भी एडिट कर दिए, इसमें क्या कर दीजिए आप, दिस दूसरे के लिए भी कर देते हैं भाई, टाइम तो इतना नहीं है बट फिर भी कर देते हैं, बाकी के लिए आप समझ जाइए सबको ऐसा ही करना है। और नेक्स्ट के लिए टेंशन मत करिए, जैसे साइन अप करेगा वो डिफॉल्ट डॉट पीएनजी आएगा, ठीक है। एक बार लॉग आउट कर लेते हैं जिससे डेटा अपडेट हो जाए और फिर से हम लोग साइन इन करते हैं। ठीक है, और फिर हम ओपन करते हैं, देखिए फोटो दिख गई, ये फोटो मैपिंग इसीलिए हो रही है क्योंकि अगर आप राइट क्लिक करके इसको ओपन करेंगे तो देखिए डिफॉल्ट डॉट पीएनजी पिक्स के अंदर डिफॉल्ट डॉट पीएनजी उसको मिल जा रही है, तो परफेक्ट है, मिल जा रही है। अब हम इसको थोड़ा सेटिंग कर देते हैं, इसको नाम को नीचे ले आते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं, तो सिंपली आप क्या करिए यहाँ पर लगा दीजिए बी आर, नाम नीचे आ जाएगा, ठीक है, नाम हमारा नीचे आएगा, और इमेज टैग को भी आप बंद कर दीजिए भाई, ठीक है, इमेज टैग को भी आप बंद कर दीजिए और आप रिफ्रेश करिए फिर से, और परफेक्ट, ठीक है। अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं तो हम, ठीक है, और एक बार बॉर्डर रेडियस भी लगा देते हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे आइए और स्टाइल में लगाइए, स्टाइल बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस में दे दीजिए 50%, जिससे कि सर्कुलर हो जाएगा, और आप बंद कर दीजिए इमेज वाली टैग को, ठीक है, रिफ्रेश करिए और परफेक्ट, ठीक है, फोटो ठीक दिख रही, थोड़ा हल्की छोटी होनी चाहिए फोटो, तो आप क्या करिए सिंपली यहाँ पे विड्थ एडजस्ट कर लीजिए इसकी, तो आप देखिए विड्थ या मैक्स विड्थ लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, मैक्स विड्थ ही लिख देते हैं, मैक्स विड्थ दे देते हैं इसकी 200 पिक्सल, देखते हैं 200 पिक्सल कितना होती है, अगर रिफ्रेश करते हैं थोड़ा सा और छोटी दे देते हैं तो इसकी देते हैं मैक्स विड्थ देते हैं भैया 150 पिक्सल, रिफ्रेश करिए अपने हिसाब से, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, अभी परफेक्ट लग रही है। और हम एक लाइन और चेंज कर देते हैं, या लाइन चेंज मत करिए, आप क्या करिए इस लेवल पे लगा दीजिए MT3, ठीक है, परफेक्ट। अब आपकी फोटो यहाँ दिखेगी, आपका नाम दिखेगा और नीचे आपको डिटेल्स दिखानी है, डिटेल्स में मेरे पास है नेम तो हो गया भाई, इसकी आईडी दिखा देंगे, ईमेल दिखा देंगे, जेंडर दिखा देंगे, अबाउट दिखा देंगे, ठीक है, आईडी। तो चलिए भाई टेबल बनाते हैं, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बूटस्ट्रैप में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टेबल, और टेबल में सिंपली हमें चाहिए ये वाली टेबल, या आप ये वाली टेबल यूज़ कर सकते हो या फिर आप ये वाली टेबल यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है भाई। तो मैं यूज़ करूँगा कौन सी टेबल भाई, सिंपल वाली टेबल, तो सिंपली आप इस टेबल को कॉपी कर लीजिए और टेबल को कॉपी करने के बाद आ जाइए प्रोफाइल के नीचे, जहाँ आपने नाम लिखा था उसके नीचे यहाँ पे लिख देते हैं डिटेल्स, डिटेल्स कमेंट कर देते हैं और इसको सिंपली पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, डिटेल प्रिंट नहीं होगी बट आपकी टेबल बन गई होगी, अगर आप रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को और ओपन करते हैं तो देखेंगे सिंपली टेबल बन गई होगी। हमें यहाँ पे यूज़र की डिटेल शो करनी है, तो देखेंगे सिंपली हमें सिर्फ दो ही रो चाहिए, दो ही कॉलम चाहिए, तो सिंपली देखिए ये हेडिंग वाला सेक्शन है और दो, पहले हेडिंग हटा दीजिए, आपको हेडिंग नहीं चाहिए तो हेडिंग हटा दीजिए, और बॉडी में सिर्फ दो ही कॉलम चाहिए, तो दो दो आपको टीडीज हटाने पड़ेंगे सब में, ठीक है, दो दो टीडीज हटाने पड़ेंगे और आपको मिलेंगे यहाँ पे दो कॉलम, रिफ्रेश करिए, ठीक है, दो कॉलम, परफेक्ट। तो अब आप हम प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, सबसे पहले हम दिखाएंगे आईडी, तो पहले कॉलम में यहाँ पे लिख दीजिए आप आईडी, ठीक है, और आईडी प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पे लिखिए एक्सप्रेशन टैग, और एक्सप्रेशन टैग लगाइए ऐसे और लिखिए यूजर डॉट गेट, और गेट में कंट्रोल स्पेस दबाइए और गेट आईडी, परफेक्ट। उसके बाद रो, दूसरे रो में आप क्या करिए, दूसरे रो में नाम आप ऊपर ही दिखा चुके हो, ईमेल दिखा दो,
ईमेल एड्रेस, और ईमेल एड्रेस में नीचे आके लिखिए सिंपली एक्सप्रेशन टैग लगाइए, और अंदर आके लिखिए यूज़र डॉट गेट ईमेल। नीचे आते हैं, फिर हम ईमेल के बाद क्या हो गया भाई, ईमेल आईडी दिखा दी मैंने, नाम ऊपर दिखा चुके, ईमेल जेंडर अबाउट, जेंडर अबाउट या जेंडर पहले दिखा देते हैं, तो हम लिख देते हैं जेंडर, और जेंडर में लिख देते हैं इक्वल टू, और यहाँ लिख देते हैं यूज़र डॉट गेट जेंडर। परफेक्ट। अब एक रो और बढ़ाते हैं अबाउट के लिए, तो सिंपली इस टी आर को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की दबाएंगे, और यहाँ पे लिख देंगे भाई क्या, हम लिख देंगे स्टेटस कि आपका स्टेटस क्या है, और स्टेटस में कोई चीज़ अपडेट भी कर सकते हो, तो आप गेट, और गेट के बाद सिंपली आपको लिखना है स्टेटस या गेट अबाउट जिसे हम कह रहे थे। परफेक्ट। अगर आप इतना रिफ्रेश करते हो तो यूज़र के बारे में डिटेल शायद हो गई हैं, देखिए देखिए। परफेक्ट। आईडी, दिस ई दिस 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 सारी चीज़ें, प्रोफाइल पिक्चर होगी जो दिख जाएगी। परफेक्ट। अब हम यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन देंगे, और यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन देंगे, तो जहाँ सेव लिखा है वहाँ पे हम लिख देते हैं एडिट। तो अगर बंदा एडिट करना चाह रहा है तो एडिट भी कर सकता है, आपकी मर्जी। परफेक्ट। अब हम यहाँ पे यूज़र का डेट भी दिखा देते हैं, कब रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड हुआ है, तो सिंपली एक रो और बढ़ा लीजिए, और यहाँ पे लिख देते हैं रजिस्टर्ड डेट, रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड ऑन, और रजिस्टर्ड ऑन, रजिस्टर्ड ऑन, और यहाँ पे लिखेंगे देखिए गेट टाइम स्टैम्प, गेट डेट टाइम, गेट टाइम, गेट डेट टाइम, एंड टू टू स्ट्रिंग, या लोकल डेट टाइम भी कर सकते हैं, टू स्ट्रिंग कर देते हैं, टू स्ट्रिंग कर देते हैं। परफेक्ट। ठीक है, बाद में इसको फॉर्मेट भी कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, जैसे फॉर्मेट करना हो। तो परफेक्ट, हमारी प्रोफाइल कंप्लीट है भाई, यूज़र की प्रोफाइल कंप्लीट है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा यूज़र लॉगिन हुआ है, तो हम लोग एक नया यूज़र बनाते हैं, तो साइनअप पे चलते हैं, और साइनअप करने के बाद यहाँ पे वैसे ही बना लेते हैं, बना देते हैं पीटर, पीटर आते हैं, ईमेल लेते हैं peter@gmail.com, peter1@gmail.com, और पासवर्ड ले लेते हैं कुछ, मेल ले लेते हैं, और लिख देते हैं हाय आई एम प्रोग्रामर। ठीक है, और फिर एग्री करते हैं और सबमिट कर देते हैं, तो देखिए रजिस्टर्ड हो गया, ओके कर देते हैं, तो ये लॉगिन पे ले गया, साइन लॉगिन कर लेते हैं peter1@gmail.com, पासवर्ड डाल देते हैं और सबमिट कर देते हैं। परफेक्ट। ट्विटर पे क्लिक करते हैं, देखिए परफेक्ट। ठीक है, आपकी फ़ोटो दिख रही है डिफ़ॉल्ट, अभी तक जब एडिट करोगे तो अपडेट का वहाँ पे ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, आपकी फ़ोटो दिख रही है, आईडी दिख रही है, ईमेल आईडी, जेंडर, अबाउट, सारी चीज़ दिख रही हैं। परफेक्ट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखा कि आप किसी भी वेबसाइट में प्रोफाइल कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हो, कैसे उसकी डिटेल्स को दिखा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एडिट प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे, और होपफुली नेक्स्ट डे आपकी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।